Hello friends, this is Manmeet and today I'll discuss with you the Yojana for September month, that is housing for all. So इस month का जो topic रहेगा that is housing for all बहुत important है, लेकिन ऐसा इसमें इतने ज़्यादा articles नहीं है cover करने के लिए, ठीक है? क्योंकि जो भी थोड़ा सा भी कुछ important था किसी article में एक दो लाइन भी अगर मुझे इम्पोर्टेंट लगी थी तो जो मैंने आर्टिकल्स यहाँ पे स्किप किए हैं तो वो दूसरे आर्टिकल्स में मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, तो ओवरऑल आपका कुछ भी यहाँ पे मिस नहीं होगा, राइट? तो फर्दर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम रियल एस्टेट जो मार्केट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड फर्दर जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज हाउसिंग में यूज होनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे. फिर इसमें लैंड एक्विजिशन है बहुत इम्पोर्टेंट है एंड एट दी एंड हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको पता आते हैं तो वो भी हम डिटेल में थोड़ा सा उसके ऊपर भी देखेंगे, राइट? तो बिफोर प्रोसीडिंग आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू रियली लाइक माई वीडियोज एंड फर्दर यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो है वो हाइलाइट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंस डे की, ठीक है? तो जो जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेनली मेंशन पहले ही कर दिए हैं कि इतने ही टॉपिक्स जो हैं हम कवर करेंगे और इतने ही इंपॉर्टेंट हैं. तो हाइलाइट्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे में कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसे ही जो भी उन्होंने कुछ भी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा भी बोला है तो वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, ठीक है? फिर इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैं आपको हमेशा ही एम्फेसाइज करती हूँ कि जरूर पढ़ा करो क्योंकि उसमें एक तरह का एक तो योजना का क्रक्स उसमें दिया हुआ होता है, मोरओवर आपको एसे फ्रेम करने के लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है? योजना में जो इंट्रोडक्शन पोर्शन होता है बहुत ज्यादा आपको मटेरियल जो है इसमें मिल जाता है. देन उसके बाद डिस्कस करेंगे जो मेन टॉपिक है अफोर्डेबल हाउसिंग इन अर्बन एरियाज, ठीक है? तो इसमें अर्बन एरियाज के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें जो है डिस्कस करने के लिए ये सबसे लेंथी टॉपिक हमारा रहेगा आज की योजना का, ठीक है? और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. देन रेगुलेटिंग रियल एस्टेट मार्केट, उसके बाद ग्रीन टेक्नोलॉजीज इन अफोर्डेबल हाउसिंग, ये एक ही पेज का है, बहुत ही मतलब सिंपल सा है, ठीक है? तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन जो भी था इंपॉर्टेंट था और मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है. एंड एट द एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछते हैं इसके बारे में, ठीक है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो वो भी जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की हाइलाइट क्या थी. सबसे पहले तो आपको पता है कि इस साल जो है 75th एनिवर्सरी है क्विट इंडिया की, देन 100th एनिवर्सरी है चंपारण सत्याग्रह की, ठीक है? देन 125th एनिवर्सरी है गणेश उत्सव की. तो ये मोदी जी ने अपने लेक्चर में ही बोला है. तो फर्दर उन्होंने बोला है कि जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट का जो कैंपेन था वो था बेसिकली भारत छोड़ो को लेके, तो जो हमारा अब कैंपेन होगा वो भारत जोड़ो को लेके होगा, ठीक है? कि भारत को हमें यूनाइटेड करना है. और जैसे हमें इस बार अगर आपको पता हो अगस्त में इंडिपेंडेंस डे के टाइम उन्होंने बोला था कि जो हमारा ये वाला मंथ है हम संकल्प पर्व की तरह से मनाएंगे इसको, कि हम संकल्प लेंगे कुछ चीज़ों को हमें शन करना है, लाइक जैसे करप्शन है, टेररिज्म है, कम्युनलिज्म है, रीजनलिज्म है, ठीक है? और स्वच्छ भारत की ओर भी उन्होंने इशारा किया था, जैसे कि चलता है एटीट्यूड है जनरली स्वच्छ भारत को लेके भी और फर्दर करप्शन को लेके इन्होंने जो था यहाँ पे रेफर किया था, ठीक है? कि उसको छोड़ के हमें बदल सकता है एटीट्यूड जो है वो अपनाना होगा. देन उन्होंने जीएसटी के बारे में भी थोड़ा सा कहा था कि इट्स सच एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द लास्ट मंथ योजना, ठीक है? तो वो सारा कुछ क्योंकि आपको पता है इसमें मेजोरिटी जो थी वो स्टेट्स की चाहिए थी, राइट? जीएसटी को इफेक्ट में लाने के लिए. तो फर्दर इन्होंने ये भी बोला है कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हुआ है जीएसटी के लॉन्च होने के बाद, और बहुत ज्यादा मतलब एक ट्रांसपेरेंसी, एक एफिशिएंसी जो है वो सिस्टम में आई है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से. जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इंट्रोडक्शन जो होती है वो कभी भी आप मिस मत किया करो, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कई बार डाटा दिया होता है, मोर ओवर ये क्रक्स होता है, ठीक है, सारी योजना का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो इसमें बेसिकली क्या डिस्कस किया है, तो मैं आपको कुछ भी रीड नहीं करूंगी, आपके सामने स्लाइड्स हैं, आपको इसका जो भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको करना है, ठीक है? तो मैं सिर्फ बोलती जाऊंगी, आप प्लीज इसको सुन लेना, ठीक है? तो इसमें बेसिकली क्या दिया हुआ है कि जैसे मान लो आपको पता है कि हर एक बंदे की एक बेसिक नेसेसिटी है फूड क्लोथ एंड शेल्टर, तो सर पे छत होना भी जो है हमारी बेसिक नीड है, नेसेसिटी है. तो जैसे कि इंडिया में आपको पता है कि जो रिचर है वो और ज्यादा रिच
जो रिच हैं वो और रिचर हो ही जा रहे हैं और जो पुअर हैं वो और पुअरर हो ही जा रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज में जो क्योंकि पहले हाउसिंग जो थी वो इंडिया में ऐसा इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ज्वाइंट फैमिलीज थी, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है कि बेसिक जो मेनली अगर हम इस बार डाटा देखें जो न्यूज़पेपर में भी आया था माइग्रेशन के रिलेटेड, तो यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा जो माइग्रेट लोग हुए हैं दिल्ली में और बेंगलोर में, ठीक है। बेसिकली क्योंकि उनको वहाँ पे कोई उनकी इतनी मतलब लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए भी इतनी ज़्यादा उनको जॉब्स वहाँ पे लिक्रेटिव जॉब्स भी हम कह सकते हैं नहीं मिलती हैं, मोर ओवर अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए अर्न करने के लिए वो जो है वो माइग्रेट करते हैं। इससे दूसरी स्टेट्स का जो है वो बर्डन फूड रिसोर्सेज पे या दूसरे रिसोर्सेज पे बर्डन जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। एंड मोर ओवर जो स्लम्स की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ती है जब माइग्रेशन के लिए लोग इधर से उधर जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो 2011 का सेंसस आया था इसमें उन्होंने बताया कि जो पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन है इट हैज़ बीन इंक्रीज बाय 91 मिलियन ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, ठीक है। तो अराउंड उसके हिसाब से देखा जाए तो 18.78 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है। तो घर यहाँ पे इनका मतलब है कि जिनके ऊपर मतलब छत नहीं है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा जो लोग आते हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं या लो इनकम ग्रुप से हैं, ठीक है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो एक तरह का जो है वो चैलेंज भी है आज की डेट में अगर हम देखें, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हम देखें तो प्राइजेस जो है लैंड के वो भी इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। और ज्यादा भी रिफॉर्म्स जो है वो भी इतने स्ट्रिंजेंट नहीं है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे रियल एस्टेट मार्केट के बारे में, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि जो एक्ट अभी पास हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस जो हैं वो लाई गई हैं, ठीक है। उसके बाद इन सच सिचुएशन जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस हैं, फिर अगर हम सब स्टैंडर्ड मटीरियल भी होता है, ठीक है, बिल्डिंग्स में यूज़ होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो काफ़ी रोल प्ले किया है, काफ़ी चीज़ों को काफ़ी स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया है, काफ़ी एक्ट जो हैं वो लाए गए हैं। जैसे कि लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट की बात करें, ठीक है, तो जैसे लैंड को कैसे यूजफुली मतलब उसको यूज़ करना है पर्पजफुली, ठीक है, पब्लिक पर्पज के लिए, ठीक है, उसके लिए कैसी हम लैंड जो है वो एक्वायर करेंगे, तो वो सारा इसमें इंक्लूडेड है। देन प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसमें लोअर इनकम मिडिल इनकम वाले लोगों का या बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों का जो है वो काफ़ी यहाँ पे सोल्यूशन मिला है उनको उनके घर की प्रॉब्लम के रिलेटेड, ठीक है, कि उनको जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करना है। देन उसके बाद जो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है उसमें बेसिकली जो है वो पक्का हाउसेस प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद जितने भी बेसिक अमेनिटीज होती हैं मेनली यहाँ पे इन्होंने टॉयलेट वगैरह को ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है, बाय 2022 वो अचीव करना है, राइट। तो उसके बाद अगर फाइनेंसिंग की बात करें, ठीक है, तो उसमें नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो रेगुलेट करेगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, ठीक है। फिर आरबीआई जो है वो रेगुलेट करेगा कमर्शियल बैंक्स को भी, पार्शियल कोऑपरेटिव बैंक्स को, जो भी मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होंगे इसमें मतलब इन्वॉल्व होंगे इनको सपोर्ट करने के लिए हाउसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट को, राइट। उसके बाद इसमें जो है होगा एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड, मेट्रो, ट्रेन, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग एरियाज एंड चिल्ड्रंस प्ले एरियाज, ठीक है, वो सब जो है इसमें कवर होंगे हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। तो आपको देखने में तो ये थोड़ा सा ड्रीम सा लगता होगा कि सच में मतलब एक ऐसे एरियाज जो होंगे जिसमें चिल्ड्रन के खेलने के लिए जगह भी होगी, शॉपिंग एरियाज भी होंगे। तो अभी अगर आप पिक्चर्स देखें इस बार की योजना में तो उसमें काफ़ी जगह दी मतलब पिक्चर्स दी भी हुई हैं जिसमें शो किया हुआ है कि ऐसे मतलब काफ़ी जगहों पर जो है गवर्नमेंट ने बना चुके हैं, कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, ठीक है। देन उसके बाद ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ठीक है, मेनली यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो गोल नंबर 11 है कि रिसीलियंट बिल्डिंग्स जो है वो बनानी है, तो उसके ऊपर भी जो है वो फोकस किया गया है। उसके बाद जो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जान स्मार्ट सिटीज मिशन है या और भी कई मिशन हैं, तो उनके साथ भी इस स्कीम को जो है वो कन्वर्ज किया गया है, ठीक है, ओवरऑल एक होलिस्टिक डिवेलपमेंट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अफोर्डेबल हाउसिंग इन अर्बन एरियाज। तो हाउसिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का,
ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो इसमें जो डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली 269 अदर इंडस्ट्रीज के साथ जो है लिंकेजेस प्रोवाइड करता है. तो हाउसिंग सेक्टर जो है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी क्रिएट करेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, एंड कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर भी ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट जाएगा. ठीक है, अकॉर्डिंगली हाउसिंग हैज बीन प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ न्यू अर्बन एजेंडा ऑफ हैबिटेट 3 2016. तो जो हैबिटेट 3 थी ये बेसिकली यूएन कॉन्फ्रेंस थी ऑन हाउसिंग एंड अर्बन हाउसिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये क्विटो इक्वेडर में हुई थी अभी 2016 में, तो ये 20 साल के बाद होती है. तो 1996 में इससे पहले हुई थी इस्तांबुल तुर्की में, उससे पहले 1976 वैंकूवर कनाडा में हुई थी. ठीक है, तो इस बार जो हुई थी दैट वाज इन क्विटो इक्वेडर. ठीक है, तो ये आप याद रखना, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है. तो उसके बाद जो है सस्टेनेबल और डिजास्टर रेसिलियंट हाउसिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज होंगी जिसमें बेसिकली जो फोकस रहेगा कि डिजास्टर रेसिलियंट हाउसिंग बनाई जाए, कि अगर मान लो अर्थक्वेक कल को आता है तो आपकी बिल्डिंग इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड को वो स्टैंड कर सके उसके अगेंस्ट. ठीक है, तो ऐसी आपकी जो बिल्डिंग है रेसिलियंट बिल्डिंग होनी चाहिए, डिजास्टर रेसिलियंट बिल्डिंग होनी चाहिए. ठीक है, एंड it has been recognized as an important lever in the meeting the commitments towards the Sendai framework. So Sendai framework basically that is entirely related to disaster management. ठीक है, and second is Paris Agreement on climate change. तो goal 11 जैसा कि मैंने आपको introduction में discuss किया था of sustainable development goals, तो ये basically relate करता है to the resilient disaster resilient buildings जो हमें बनानी है. ठीक है, sustainable building बनानी है for any unforeseen situations in the future. उसके बाद है यहाँ पे housing scenario and challenges, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने discuss किए हुए हैं. तो according to technical group for urban housing shortage जो कि constitute किया गया ministry of housing and urban poverty elevation की तरफ से, तो इन्होंने बोला कि 18.78 million, जैसा कि हमने introduction में, अब देखो आप कितना कुछ है जो introduction में से मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी. ठीक है, कि repeat होगा इसलिए मैं बोलती हूँ कि इंट्रोडक्शन जो है वो कभी भी मिस मत किया करो. तो 18.78 मिलियन जो है वो शॉर्टेजेस है हाउसिंग यूनिट की, एंड अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखें तो जो 10 स्टेट है मेनली यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात, तो वो सारी 76% जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं इसको. ठीक है, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या लो इनकम ग्रुप लोगों के पास घर नहीं है. ठीक है, एंड मोर ओवर अगर हम हाउसिंग सरप्लस की बात करें तो वो 95%, मतलब इतना ज्यादा डेफिसिट है कि 5% जो लोग 95% जो लोग हैं दैट आर डेफिसिट इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप, उनके पास घर ही नहीं है. ठीक है, देन उसके बाद अगर फर्दर प्रोजेक्शंस की बात करें तो इंडिया, अगर 2000 सेंसस 11 की बात करें तो इंडिया जो है करंटली ग्रोथ रेट जो हमारी है 2.76 है. राइट, तो ऐसे ही अगर पॉपुलेशन जो है वो ग्रो होती जाएगी. ठीक है, तो अगर 2050 की यहाँ पे इन्होंने बात की है तो तब तक जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 814 मिलियन जो है वो हो जाएगी. तो इससे जो मेनली थ्रेट आने वाला है वो स्पेशली पॉपुलेशन जो होगी वो पुअर पॉपुलेशन होगी. ठीक है, मोर ओवर रेंट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, स्टैंडर्ड मटेरियल जो है वो बिल्डिंग्स में यूज नहीं हो रहा है, लैंड अप्रूव नहीं है, फिर कोई ना कोई चैलेंज जो है वो उनके सामने खड़ा हो जाएगा. एंड मोर ओवर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज लेनी पड़ती हैं और कोई अप्रूवल प्रोसेस होते हैं, कम्बसम प्रोसेस होते हैं. ठीक है, तो ये सारे जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेवलपमेंट में एक चैलेंज है. तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है इसमें हम डिस्कस करेंगे. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इट हैज इंट्रोड्यूस नंबर ऑफ पॉलिसीज टू हाउस द पुअर, जिसमें जैसे कि अगर 1952 में बात करें तो इंटीग्रेटेड सब्सिडाइज्ड हाउसिंग स्कीम जो थी वो लॉन्च हुई थी. ठीक है, फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. देन उसके बाद लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम जो थी 1956 में इंट्रोड्यूस हुई थी. देन उसके बाद नेशनल स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ था. तो इसमें मैंने सारे
मेंशन नहीं किए हैं, इसमें बहुत ज्यादा थे तो जो थोड़े से मुझे इंपॉर्टेंट लगे वही मैंने यहाँ पे मेंशन किए. देन शशुधा की स्कीम फॉर हाउसिंग एंड शेल्टर अपग्रेडेशन एज अ पार्ट ऑफ नेहरू रोजगार योजना एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1989 बट डिसकॉन्टिन्यूड इन 1997. उसके बाद वैम्बे आई, वैम्बे थी वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना, वो 2001 और 2 में आई थी. देन जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन आया जिसको दोबारा से इन्होंने राजीव आवास योजना में ट्रांसफॉर्म कर दिया और अभी जो लेटेस्ट वन है दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन दैट इज हाउसिंग फॉर ऑल. ठीक है, तो एक न्यू हाउसिंग और हैबिटेट पॉलिसी जो है 1998 में इंट्रोड्यूस की गई थी जिसमें हैबिटेट के ऊपर जो था मेन फोकस रखा गया था. ठीक है, तो काफी लैंडमार्क इनिशिएटिव्स जो थे वो इसमें दिए गए थे जैसे अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट. ठीक है, कि लैंड सीलिंग लिमिट्स डिफाइन की गई थी तो वो बिल्कुल यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया था, रिपील कर दिया गया था, ओमिट कर दिया गया था और FDI जो थी रियल एस्टेट में इंक्रीज हो गई थी. ठीक है, लेकिन ये सारी पॉलिसीज जो थी जेनरिक थी और दोनों ही रूरल और अर्बन के लिए इफेक्टिव थी. ठीक है, बट जो न्यू पॉलिसी आई है 2017 में दैट इज नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी. ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा चीजें जो है डिस्कस करने के लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसमें हाउसिंग है फॉर ऑल, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल. ठीक है, तो इसमें बेसिकली इन्वॉल्व होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपको पता है उस जगह पे इन्वॉल्व होती है जहां पे वायबिलिटी गैप फंडिंग की जरूरत हो. ठीक है, मतलब कि प्रोजेक्ट जो है वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो लेकिन उसके लिए फंड जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं तो उसमें हम प्राइवेट एजेंसीज जो है, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स जो है वो उनको इसमें इंक्लूड करते हैं. ठीक है, तो फर्दर इस पॉलिसी में जो हर एक गवर्नमेंट थी, यूनियन गवर्नमेंट थी चाहे स्टेट गवर्नमेंट थी, लोकल बॉडीज थी, बैंक्स थे, हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे या पब्लिक एजेंसीज थी, तो सबके रोल्स जो थे यहाँ पे डिफाइन किए हुए थे. ठीक है, देन उसके बाद काफी रिफॉर्म्स जो थे गवर्नमेंट ने किए थे विद रिगार्ड टू, अगर हम रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट करें ठीक है तो वो भी आया था. उसके बाद FDI को लिबरलाइज किया गया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाए गए, GST आपको पता है अभी रिसेंटली हुआ है तो कैस्केडिंग जो इफेक्ट था टैक्सेस का वो भी रिड्यूस हुआ है तो उससे भी काफी इम्पैक्ट पड़ा है. जो फॉरनर्स हैं वो भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं. फर्दर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे चीजें जो है वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की हैं तो उससे बहुत ज्यादा जो है वो कम्बरसम जो प्रोसीजर्स थे उनको एलिमिनेट किया गया. ठीक है, तो जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट है जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो इट केम इनटू फोर्स ऑन May 1, 2017. तो अभी रिसेंटली ही जो है वो इफेक्ट में लाया गया इसको. ठीक है, तो ये बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट सेक्टर भी जो है इसमें रेगुलेट हो जाएगा. ठीक है, तो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी भी है इसमें और बेसिकली जो बायर्स होंगे और जो इवन प्रोमोटर्स होंगे तो दोनों के ही इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया. फर्दर GST के बारे में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया तो उससे भी जो है वो फेडरल बैरियर की काफी उनको टैक्स जो थे वो पे करने पड़ते थे स्टेट लेवल पे भी सेंट्रल लेवल पे भी. ठीक है, तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो बिल्कुल एलिमिनेट हुआ है यहाँ पे. तो फर्दर जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस की है तो वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है. देन उसके बाद न्यू अर्बन हाउसिंग मिशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो ये हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करते हैं. तो इन जून 2015 प्रधानमंत्री लॉन्च्ड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 इन 3 फेसेस. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप याद रखना कि 3 फेसेस में लॉन्च हुआ था तो जो फर्स्ट फेस है वो कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है, तो दैट वाज फ्रॉम 2015 टू 17 और इसमें कवर होने थे 100 सिटीज बट जो मैंने रिसेंटली रिपोर्ट पढ़ी है उसमें पाया गया कि 100 सिटीज अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी बट उनको फिर इसमें जो है वो 2017-19 में मर्ज कर दिया गया मतलब फेज टू में. तो फेज टू में बेसिकली 200 सिटीज जो है वो कवर करनी है और फेज थ्री में जो बाकी रह जाएंगी जो इवन 2 या 1 में भी कंप्लीट नहीं हुई थी तो वो 3 में जो है बाय 2022 वो कवर हो जाएंगी. फर्दर जो स्कीम है इट प्रोवाइड सेंट्रल असिस्टेंट टू अर्बन लोकल बॉडीज. ठीक है, एंड अदर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज. द प्रोग्राम हैज 4 वर्टिसेस. तो ये इंपॉर्टेंट है क्या क्या चीजें हैं. सबसे पहले है कि इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट. तो इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट का यहाँ पे मतलब है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी पे कोई स्लम एरिया डेवलप हुआ है ठीक है तो वहां पे जो है गवर्नमेंट
ट्राई करेगी कि वहाँ पे जो है मोनिटाइज करके उस जगह को या वहाँ पे कोई इंसेंटिव प्राइवेट डेवलपर्स को प्रोवाइड करके उस लैंड को डीमार्केट करके जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाए, ताकि वहाँ पे जो है वो हाउसिंग जो लो इनकम ग्रुप लोग हैं उनके लिए, जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनके लिए हाउसिंग जो है अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलप हो सके वहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली इन सीटू का मतलब होता है उसी जगह पे, ठीक है। तो ये इसके लिए है। तो यहाँ पे जो स्टेट है वो रिसीव करेगी स्लम रिहेबिलिटेशन ग्रांट ऑफ रुपीज 1 लाख पर हाउस ऑन एन एवरेज, ठीक है, फॉर बिल्डिंग फॉर प्रोवाइडिंग हाउसिंग हाउसेज टू एलिजिबल स्लम ड्वेलर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट इज क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। तो इसी के अंडर है, 4 फेसेस हैं, हम इसके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो था दैट वॉज इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, तो ये सेकेंड वाला है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। तो जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है इसमें बेसिकली जो वीकर सेक्शंस होंगे उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। और अभी रिसेंटली 2017 में गवर्नमेंट इटसेल्फ वाइडेंड द स्कोप ऑफ दिस स्कीम, और इन्होंने मिडिल इनकम ग्रुप्स को भी इसमें जो है वो इंक्लूड किया है, ठीक है। तो जो रेट ऑफ सब्सिडी है वो 3-4% रहेगी मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए। तो ये इसमें मिडिल इनकम ग्रुप्स भी जो है, इसमें बेसिकली 2 मिडिल इनकम ग्रुप्स आएंगे। एक होगा मिडिल इनकम ग्रुप 1 जिनकी इनकम जो है 12 लाख तक होगी, 12 लाख तक, ठीक है। तो उनको जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी वो 4% की जाएगी, ठीक है। और दूसरे होंगे जिनकी इनकम होगी 12 लाख-18 लाख, तो उनको जो है सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी 3% की, ठीक है। मतलब जिनकी इनकम ज्यादा है उनको कम सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, जिनकी 12 लाख है उनको 4%, यानी कि कंपैरेटिवली ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ लोन। तो ये जो लोन है बेसिकली कंस्ट्रक्शन के लिए भी होंगे, या फिर मान लो किचन इंक्लूड करनी है, किचन का एरिया एक्सपेंड करना है, टॉयलेट बनाना है, ठीक है, या कुछ बेडरूम इंक्रीज करना है, तो उसके लिए भी ये लोन जो है वो प्रोवाइड होगा। फर्दर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए जो अप टू 30 स्क्वायर मीटर्स, और जो लो इनकम ग्रुप है उनके लिए अप टू 60 स्क्वायर मीटर जो है इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी ऑफ 6.5%। तो कंपैरेटिवली आप देख सकते हो कि मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए 3-4% है, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर लो इनकम ग्रुप के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी जो है दैट इज 6.5%, ठीक है, हाउसिंग लोन पे ऊपर। और इसका टेन्योर जो होगा वो दैट विल बी अराउंड 15 ईयर्स तक वो इसको अवेल कर सकते हैं, और ये मिलेगा लोन सिर्फ और सिर्फ अप टू रुपीज 6 लाख तक उनको इतनी सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, राइट। तो फर्दर जो है इनके लिए ये जो 30 स्क्वायर मीटर और 60 स्क्वायर मीटर है ये बेसिकली कार्पेट एरिया है। अगर आपने योजना पढ़ोगे या आपने पहले भी कभी सुना हो, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि कार्पेट एरिया या बिल्टअप एरिया उसके बारे में बताते हैं। तो अभी जो रिसेंटली इसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो इसमें जो कार्पेट एरिया है वो 30 स्क्वायर मीटर था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, तो वो इंक्रीज कर दिया है बिल्टअप एरिया में, ठीक है। तो बिल्टअप एरिया बेसिकली होता क्या है, कार्पेट एरिया हम फ्लोर को बोलते हैं, ठीक है, कि जो एरिया विद इन दी वॉल्स इनक्लोज होता है, और बिल्टअप एरिया होता है कार्पेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ आउटर वॉल्स प्लस बालकनी, ठीक है। तो बेसिकली जो 30 स्क्वायर मीटर्स का एरिया था जो पहले सिर्फ फ्लोर्स के लिए था, तो वो अभी इन्होंने इंक्रीज कर दिया है उसको, ठीक है, बिल्टअप एरिया में भी, बिल्टअप एरिया को भी। तो ये बेसिकली जो परचेजर्स होंगे, बायर्स होंगे, उनके लिए भी काफी अट्रैक्टिव रहेगा। मोर ओवर जो इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए भी एक लिक्रेटिव अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है। तो जो नोडल एजेंसीज हैं इनके लिए दैट इज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड नेशनल हाउसिंग बैंक एट सेंट्रल लेवल, ठीक है। तो ये सब्सिडाइज जो है वो सब्सिडीज जो होंगी उनको चैनलाइज करेंगे टू दी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। देन उसके बाद जो थर्ड है दैट इज जो फॉर दी हाउसिंग प्रोवाइडेड अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। तो इसमें बेसिकली जो पब्लिक प्राइवेट स्टेक होल्डर्स होंगे उनका पार्टिसिपेशन होगा, और सेंट्रल असिस्टेंस जो यहाँ पे ग्रांट होगी दैट विल बी 1.5 लाख, ठीक है, पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हाउस, ठीक है। तो जो स्टेट है वो फर्दर डिसाइड करेगी कि जो कार्पेट एरिया होगा उसका कितना, मतलब प्राइस जो होगा पर स्क्वायर किलोमीटर कितना होगा, ठीक है।
और उसकी अफोर्डेबिलिटी वो डिसाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट. देन उसके बाद फोर्थ जो फैसेट है दैट इज फॉर बेनिफिशरी लेड हाउसिंग कंस्ट्रक्शन. तो BLC जो क्वार्टर होते हैं अगर आप देखो नेट पे तो काफी सुंदर बने हुए हैं, स्पेशली अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के देखें तो बहुत ही सुंदर बने हुए हैं. ठीक है, तो उसमें जो सेंट्रल असिस्टेंस है दैट इज ₹1.50 लाख. ठीक है, तो दैट इज प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेज और अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग हाउसेज. And this is for economically weaker section category. ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो मिशन में जो ये वाला नेशनल अर्बन हाउसिंग मिशन है इसमें नियरली 24 लाख हाउसेज जो है वो सेंक्शन हो चुके हैं एंड अराउंड 10 लाख हाउसेज की कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है. ठीक है, तो जो भी इसका स्टेटस है, ग्रोथ है या इम्प्लीमेंटेशन है इन प्रोजेक्ट की, वो स्टेट्स के साथ रिव्यू होती रहेगी. ठीक है, तो फर्दर इसकी हम कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है या हाउसिंग फॉर ऑल जिसको हम कहते हैं. ठीक है, तो उसको अगर हम बाकी जितने भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं, मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च करे हैं उसके साथ कन्वर्ज करके देखें तो उसका क्या क्या बेनिफिट जो निकलेगा. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्मार्ट सिटीज मिशन की बात करें, ठीक है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का. तो ये मिनिस्ट्रीज जो है वो आप प्लीज इसको याद रखा करिए. वैसे तो इसको बहुत ही इजीली हम याद रख सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटीज का है तो इसमें ऑब्वियसली अर्बन डेवलपमेंट के साथ ही रिलेशन होगा. ठीक है, तो इसको अगर हम कन्वर्ज करते हैं न्यू अर्बन हाउसिंग मिशन के साथ तो इससे बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक डिसेंट लाइफ हम अपने सिटीजन्स को जो है वो प्रोवाइड करेंगे. बेसिक फैसिलिटीज जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हैं वो इसके अंडर मिल जाएंगी. ठीक है, सिटीजन्स को. उसके बाद जो अमरूत है दैट इज अटल मिशन रिजुविनेशन एंड अर्बन फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, उसको अगर हम कन्वर्ज करते हैं नेशनल अर्बन हाउसिंग मिशन के साथ तो उससे हर एक हाउस होल्ड को जो है वो प्रॉपर वाटर सीवरेज कनेक्शन ये सब चीजें जो है वो मिलेंगी, ओपन स्पेस मिलेगी, पोल्यूशन नहीं होगा. फर्दर अगर हम स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात करें उसको अगर हम यहाँ पे कन्वर्ज करते हैं तो जो ओपन डिफिकेशन का प्रॉब्लम है वो भी एलिमिनेट होगा. मैनुअल स्कैवेंजिंग जो होती है, ठीक है, तो उसके भी आपको पता है रिसेंटली बहुत ज्यादा इश्यूज राइज हो रहे हैं. ठीक है, तो वो चीज भी यहाँ पे कम होगी. फर्दर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट किया जा सकेगा. ठीक है, और जितनी भी सैनिटेशन रिलेटेड जितनी भी प्रोविजंस हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगी. फिर उसके बाद अगर हम दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के बारे में बात करें, उसका अगर हम यहाँ पे कन्वर्ज करते हैं, मर्जर करते हैं नेशनल अर्बन ह्यूमन सॉरी हाउसिंग मिशन के साथ, ठीक है, तो उससे जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, जैसे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं बेसिकली, ठीक है, विच आर डिवॉइड ऑफ शेल्टर्स या फिर हम बोल सकते हैं जिनको, तो उनको एक परमानेंट शेल्टर्स जो है वो मिल जाएंगे. देन उसके बाद जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है और नेशनल अर्बन हाउसिंग मिशन दोनों को अगर हम मिला दें तो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो मिलेंगी लोगों को और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे होगी. देन उसके बाद सेकेंड टॉपिक जो हमारा है दैट इज अगेन वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट. ठीक है, तो ये हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे. तो जो बेसिकली लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट एंड हाउसिंग फॉर ऑल यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या कनेक्शन है बेसिकली, इसमें आपको पता है कि हाउसिंग फॉर ऑल अगर हमें सक्सेसफुली उसको लॉन्च करना है, इम्प्लीमेंट करना है या इफेक्ट में उसको इफेक्टिवली लाना है तो उसके लिए हमें लैंड तो चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हमें इसको इसके साथ कन्वर्ज करना पड़ेगा. ठीक है, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट को, राइट. तो इसमें थ्री पैरामीटर्स जो है वो ऑथर ने डिस्कस किए हैं. एक तो है एडिक्वेसी, दूसरा है अफोर्डेबिलिटी और तीसरा जो है वो बहुत ही क्रूशियल है दैट इज वायबिलिटी. ठीक है, तो फर्स्ट जो है फर्स्ट और सेकंड एडिक्वेसी एंड अफोर्डेबिलिटी, इसमें उन्होंने बताया कि बेसिकली हम देखेंगे कि जो लो इनकम हाउस होल्ड हैं उनको आप किन पैरामीटर्स पे जो है वो डिफाइन करते हो, कि कौन सा पैरामीटर आपने रखा है उनको डिफाइन करने के लिए. ठीक है, फर्दर आप एक अफोर्डेबल हाउस जो आप बोलते हो कि अफोर्डेबल हाउसिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका क्या साइज होगा, क्या उसकी कॉस्ट होगी. ठीक है, एंड फर्दर आप कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो उसके साथ प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि सैनिटेशन वगैरह होगी. ठीक है, तो
वो चीज़ जो है वो एडिक्वेसी डिफाइन करती है. और सबसे जो यहाँ पे क्रूशियल पैरामीटर इन्होंने डिस्कस किया है दैट इज वायबिलिटी. तो बेसिकली थ्री आस्पेक्ट्स जो है वो वायबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले जो है कि जो जितने भी आप हाउसेज क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो अफोर्डेबल हाउसेज, वो आपके रिलेट होने चाहिए एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड के साथ. मतलब कि जहाँ पे भी लोग रहते हैं वहाँ पे उनको प्रॉपरली जॉब की प्रोविजन हो उनके लिए. या ये तो नहीं है कि मतलब मान लो कोई फैमिली है वो टोटली एक एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, तो आप अफोर्डेबल हाउसिंग के चक्कर में उसकी जो है वो लैंड एक्वायर कर रहे हो और उसको वहाँ से शिफ्ट कर रहे हो, ट्रांजिशन में रख रहे हो, ठीक है, तो फर्दर उसको एक प्रॉमिस किया जा रहा है कि आपको एक लमसम अमाउंट हम दे देंगे, बट वो एक इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक उसका परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, लेकिन उसकी बहुत सारी इमोशंस जो है वो इसके साथ अटैच रहती हैं. सेकेंडली यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी मतलब कि इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एंड उसके बाद जो है फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ें जो है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. अगर हम इन आस्पेक्ट्स को कंसिडर नहीं करते हैं तो हम जो हाउसिंग फॉर ऑल है उसको प्रॉपरली एफिकेसी से नहीं हम रिजल्ट्स उसके ऑब्टेन कर सकते, ठीक है. तो यहाँ पे जो है अगर हम लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन, रिसेटलमेंट की बात करें तो इसमें जो है अगर हम रूरल से अर्बन में लोगों को ट्रांजिशन करते हैं, माइग्रेट करवाते हैं, तो उसमें एक प्रॉपरली एक रूरल अर्बन डेवलपमेंट यानी कि रूरल प्लस अर्बन डेवलपमेंट का प्रॉपरली क्वेश्चन एक राइज होता है यहाँ पे कि आप कैसे उसको एक प्लान्ड डेवलपमेंट बोलते हो, ठीक है. अगर मान लो उनको उनके लाइवलीहुड से ही आप डिवाइड कर रहे हो तो फिर वो प्लान जो है वो कैसे हो गया, ठीक है. तो जो क्रिटिकल क्वेश्चन है दैट इज जस्ट हाउ टू यूज लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन, रिसेटलमेंट टू एंश्योर रीडेवलपमेंट फॉर अफोर्डेबल हाउसेज इन अफोर्डेबल हाउसिंग इन अर्बन एरियाज, बट रेदर हाउ टू मीट द टारगेट ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग का टारगेट हम कैसे अचीव करेंगे, तो इसमें जो है पब्लिक पर्पज के लिए आपको पता है लैंड जो है वो बेसिकली एक्वायर करती है गवर्नमेंट, ठीक है. तो पब्लिक पर्पज से इनका मतलब क्या है, तो वो इनका मतलब है ए, बी और सी पॉइंट से. तो वो है सबसे पहले कि वो इनकम ग्रुप्स जो कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वहाँ की फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन करेगी, स्पेसिफाई करेगी कि इस इनकम ग्रुप के लिए या मतलब हमारा जो पब्लिक पर्पज की डेफिनेशन है वो इस इनकम ग्रुप को हम रेफर करते हैं, ठीक है, मतलब इस इनकम ग्रुप के लोगों के लिए हम ये लैंड जो है वो एक्वायर कर रहे हैं. तो अप्रोप्रिएशन गवर्नमेंट होती है या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो उस रीजन की पर्टिकुलर गवर्नमेंट हो. मान लो अगर पंजाब की हम अगर हम बात करें तो वहाँ पे इस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो वहाँ की अप्रोप्रिएशन गवर्नमेंट है, ठीक है. तो वो डिसाइड करेगी कि उस इनकम ग्रुप जो है उसके लिए हम जो है वो यहाँ पे लैंड एक्वायर कर रहे हैं. तो वो इनकम ग्रुप वो कोई भी डिफाइन कर सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो इट इज इंक्लूडेड इन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, ठीक है. देन उसके बाद सेकंड जो है जो डिफाइन किया है इन्होंने पब्लिक पर्पज के लिए अगर लैंड एक्वायर करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड है. सेकंड जो है इसमें डेवलपमेंट अगर करते हैं विलेज या किसी अर्बन साइट की, ठीक है, प्लस कोई प्रोविजन रखते हैं कि जो वीकर सेक्शंस हैं रूरल या अर्बन एरियाज में उनके लिए हम उनके रेजिडेंशियल पर्पज के लिए हम ये लैंड जो है वो एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है. ये हो गई सेकंड चीज. थर्ड हो गई कि कोई पुअर या लैंडलेस लोग उनके रहने के लिए, ठीक है, फॉर पर्सन रिजाइडिंग इन एरिया या फिर मान लो कोई नेचुरल क्लैमिटी से अफेक्ट होके आया है, ठीक है, या फिर कुछ किसी भी रीजन के लिए कोई गवर्नमेंट ने स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की है तो इसकी वजह से उसको अफेक्ट हुआ है और उसको अपनी जो लैंड है वो छोड़नी पड़ी है, ठीक है. मान लो गवर्नमेंट ने उसकी ही लैंड एक्वायर कर दी तो उसको कहीं ना कहीं तो सेटल करेगा ही ना, ठीक है. तो वो बंदे इसमें आ जाएंगे थर्ड वाले में सेक्शन 2(1) क्लॉज एफ में, ठीक है. तो बेसिकली ये तीन सेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट है. तो इन ऑल दी अबव केसेस लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट जो है वो अप्लाई होता है. उसके बाद जो इसके हाईलाइट्स हैं बिल के या एक्ट के, तो बेसिकली वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले
जो लैंड एक्विजिशन बिल है दैट हैज बीन नेम्ड एज द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट 2013. ठीक है, तो ये बेसिकली 120 ईयर ओल्ड लॉ था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो उसको इसने रिप्लेस किया है. तो ये बेसिकली जो है यहाँ पे एम्फेसाइज करता है रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट में. ठीक है, तो जो न्यू एक्ट है that concerns only such cases where the land will be acquired by central or state authorities for any public purpose. ठीक है, तो public purpose हमने अभी define की है तीन conditions, तो उनके लिए जो है वो act के under central या state government आपकी land जो है वो acquire कर सकती है. ठीक है, तो अगर private project मान लो कोई वहाँ पे launch करना है तो उसमें जो land owners जितने भी land owners की वहाँ पे जमीन जो है वो acquire होगी तो उसमें उनकी 80% जो है वो consent चाहिए 80% लोगों की, और अगर पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट होगा तो उसमें 70% कंसेंट चाहिए होगी. क्योंकि अगर आपको पता हो तो ज्यादातर लोग जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर कोई करती है, कंपनी आती है जमीनों में, तो लोग जो है वो ज्यादा भड़कते हैं. तो फ्यूचर में कुछ ऐसा चैलेंज उनके सामने ना आए, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे कंसेंट जो है वो ज्यादा रखी गई है. देन उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, अर्बनाइजेशन वगैरह के लिए फैसिलिटीज हैं. ठीक है, तो जो भी अफेक्टेड होंगे लोग जिनकी लैंड एक्वायर होंगी उनके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल कंपनसेशन होगा. देन उसके बाद जो फार्मर्स होंगे या लैंडलेस लेबर्स होंगे, दलित्स होंगे, ट्राइबल्स होंगे, इनके इंटरेस्ट को भी यहाँ पे प्रॉपरली प्रोक्योर किया गया. ठीक है, देन उसके बाद इसमें बताया गया कि जो मल्टी क्रॉप इरिगेटेड लैंड होगी, ठीक है, जहाँ पे इरिगेशन होती है प्रॉपरली, बहुत सारी क्रॉप्स जो है वो सो की जाती हैं, तो उसको जो है वो एक्वायर नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास. अगर कोई और रास्ता नहीं रहा तो हमें वो एक्वायर करनी पड़ी, तो उस केसेस में हम उतना ही इक्विवेलेंट एरिया जो है उस पर्टिकुलर जगह में एक कल्चरल लेबल वेस्ट लैंड की तरह से हम रखेंगे जो कि एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए होगा. ठीक है, ताकि उस बंदे का कॉज जो है वो अफेक्ट ना हो पाए. राइट, देन उसके बाद जो है इसमें फिर एक प्रोविजन रखी गई है कि आप अपनी लैंड को डेवलपर्स को लीज पे भी दे सकते हो. ठीक है, तो अगर आपने देखा हो तो गवर्नमेंट के जैसे सुविधा सेंटर्स वगैरह हैं, कम्युनिटी सेंटर्स, कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स जो होते हैं, तो काफ़ी गांव में अगर आप जाओ तो उन्होंने ज़मीनों पे ऐसे ओपनली जो है वो बनाए हुए हैं, तो उसमें ज़्यादातर वो ज़मीन एक्वायर नहीं करते हैं, तो वो बेसिकली जिसकी ज़मीन होती है उससे लीज में ले लेते हैं. ठीक है, तो उसको प्रॉपरली रेंट जो है वो पे करते रहते हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पता है इनकम वैसे भी कितनी आती है फार्मिंग से, तो ऐसे अगर वो लीज पे दे देंगे तो एक उनको रेगुलर इनकम तो मिल जाएगी ना. ठीक है, तो उस केस में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड, लोकेशन, मार्केट रेट, उसका लीज जो है वो रेंट जो है वो डिसाइड करती है. ठीक है, देन उसके बाद इसमें एक्विजिशन अवार्ड, कंपनसेशन, रिहैबिलिटेशन के बारे में सारा कुछ दिया गया है. ठीक है, कि अगर किसी को अफेक्ट, कोई बंदा अफेक्ट होता है तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस होंगी, क्या क्या अवार्ड्स होंगे, क्या कंपनसेशन उसको दिया जाएगा, और फर्दर इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स जो हैं उनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स के बारे में भी बताया गया है. ठीक है, देन उसके बाद है कि अगर लैंड जो है वो अर्बनाइजेशन के लिए एक्वायर की जाती है, ठीक है, तो 20% जो डेवलप्ड लैंड होगी वो रिजर्व की जाएगी लैंड ओनिंग प्रोजेक्ट के लिए जो फैमिलीज अफेक्ट हुई हैं उनके लिए. ठीक है, तो बेसिकली उनको उनका लाइवलीहुड जो है वो कम्प्लीटली अफेक्ट ना हो, इसके लिए उनके लिए 20% जो डेवलप्ड लैंड है वो रिजर्व रखी जाएगी. एंड एंड में जो मैंने बोल्ड में करके रखा है, लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2016 और 15 में ये क्वेश्चन जो था वो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था. ठीक है, दैट द कंसेंट ऑफ ग्राम सभा जो है दैट इज मैंडेटरी फॉर एक्विजिशन एंड स्केड्यूल एरिया अंडर फिफ्थ स्केड्यूल रेफर टू इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो जैसे कि फिफ्थ स्केड्यूल आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल्ड एरियाज. ठीक है, तो उसमें ग्राम सभा की जो है वो परमिशन मैंडेटरी होती है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था. देन नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज रिलेटेड टू रियल एस्टेट मार्केट. तो अभी जो है आपको पता है रियल एस्टेट जो है अभी ये अफेक्ट हुआ है इसमें 1 मई 2017 से. ठीक है, जो अभी रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है, रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है, तो ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. अदरवाइज इतना इम्पॉर्टेंट एज सच नहीं था, लेकिन क्योंकि अभी इफेक्ट में आया तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो गया, तो इसको डिस्कस करना बनता है.
तो जो बिल है दैट इज सीक टू रेगुलेट द रियल एस्टेट सेक्टर ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी एंड हेल्प प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट वॉज पास बाय पार्लियामेंट. ठीक है, तो द एक्ट इज कॉल्ड रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 एंड इट एक्सटेंड्स टू होल टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. तो जो इम्प्लीमेंट हुआ है दैट इज विद इफेक्ट फ्रॉम मई 1, 2017. तो जो बेसिकली यहाँ इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है दोनों ही प्रमोटर्स और बायर्स दोनों के इंटरेस्ट को प्रोक्योर करके रखना, प्रिजर्व कर उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना. ठीक है, कंज्यूमर्स के भी और जो प्रमोटर्स हैं डेवलपर्स हैं उनके भी. ठीक है, तो जो रियल एस्टेट सेक्टर है दैट कंप्राइजेस 4 सब सेक्टर, अगर आपको पता हो, हाउसिंग, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी एंड कमर्शियल. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि बेसिकली सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है बहुत ज़्यादा. ठीक है, फर्स्ट, दूसरा इसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा ये सेक्टर जो है वो अट्रैक्ट करता है, काफ़ी इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती हैं, बाहर से भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, डोमेस्टिक भी लोग जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं. फर्दर रेवेन्यू जो है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह में गवर्नमेंट को जो फीस वगैरह आती हैं इससे, तो रेवेन्यू काफ़ी जनरेट होता है. तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 9.5% जो है इंडिया की GDP को रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है. ठीक है, तो जो अगर हम इसमें यहाँ पे अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो आपको पता है कि 305 सिटीज जो हैं, टाउन्स जो हैं वो कवर की गई हैं अंडर हाउसिंग फॉर ऑल. ठीक है, तो इट हैज टारगेट टू बिल्ड 2 crore होम्स फॉर अर्बन पुअर बाय 2022. ठीक है, द क्राइटेरिया फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम बिल्ड अप एरिया ऑफ 30 और 60 स्क्वायर किलोमीटर्स टू कारपेट एरिया ऑफ 30-60 स्क्वायर किलोमीटर. जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, तो इससे वो बिल्डर्स के लिए भी एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी रहती है और बायर्स के लिए भी काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है. ठीक है, देन उसके बाद जो इसके फीचर्स हैं एक्ट के, सबसे पहले कि जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज दोनों को भी रेगुलेट करता है. फर्दर एक अथॉरिटी जो होगी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो मतलब सेटअप होगी जो जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो कि रियल एस्टेट जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, कौन कितनी प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, कैसे कर रहा है. ठीक है, तो उसके ऊपर एक इनका होल्ड रहेगा. ठीक है, देन उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन होगी वो मैंडेटरी होगी सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए और एजेंट्स के लिए भी, रियल एस्टेट एजेंट्स जो होंगे. देन फर्दर जितने भी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, उनकी डिटेल्स जो है वो डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी अथॉरिटी को, ये मैंडेटरी है. और उनको अपना लेआउट प्लान भी बताना पड़ेगा, लैंड स्टेटस क्या है वो बताना पड़ेगा, उन्होंने एनवायरमेंटल अप्रूवल्स ली हैं, क्लियरेंसेस ली हैं वो बताना पड़ेगा. ठीक है, और जितना भी उनका जो भी एजेंट्स वगैरह के साथ या कंट्रैक्टर्स वगैरह के साथ, आर्किटेक्ट्स वगैरह के साथ या स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के साथ जो भी कुछ उनके अग्रीमेंट्स हैं वो उनको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे. ठीक है, तो अगर मान लो ये ऐसी प्रोविजंस ना हो तो आपको पता है इंडिया में तो हर कोई आर्किटेक्ट बना फिर है ना, हर कोई अपना ही कह देगी हाँ इधर से इधर कमरा बना दो, यहाँ से सीढ़ियाँ निकाल दो. ठीक है, तो फिर जो हम डिजास्टर रेसिलियंट बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं तो फिर तो पता नहीं, अब अगर आपको पता हो तो कॉन्ट्रैक्टर्स तो कितने सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो है वो यूज करते हैं. ठीक है, तो उस चीज पे अब जो है इस एक्ट की वजह से एक चेक रहेगा. ठीक है, तो बिल जो है दैट विल कवर एनी प्रोजेक्ट दैट इज मोर देन 500 स्क्वायर मीटर्स और हैज मोर देन 8 अपार्टमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको रिड्यूस भी कर सकती है. राइट, और फर्दर इसमें ये भी मेंशन किया हुआ था कि कोई भी मतलब कंपनसेशन जो होगी, कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है. ठीक है, कि कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अगर होती है तो उस केस में जो अथॉरिटी है वो ऑर्डर कर सकती है कि कंज्यूमर को कंपनसेशन प्रॉपरली पे किया जाए उस चीज के लिए. ठीक है, देन फर्दर जो डेवलपर्स हैं दैट विल हैव टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च इन पास्ट 5 ईयर्स. ठीक है, जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए होंगे लास्ट 5 ईयर्स में उनके डिटेल वो देंगे. देन उसके बाद जितने कंप्लीट हुए हैं, जितने अंडर कंस्ट्रक्शन है और करंट क्या है स्टेटस प्रोजेक्ट का, वो सारा कुछ जो है वो इनको अथॉरिटी को डिस्क्लोज करना होगा. फर्दर जो बहुत ज्यादा मस्ट है दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ कारपेट एरिया. ठीक है, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए और लो इनकम ग्रुप के लिए जो पर्टिकुलर कारपेट एरिया है 30-60 स्क्वायर मीटर्स का वो डिफाइन हुआ है.
देन उसके बाद यहाँ पे मैंडेटरी है कि जो बिल्डर्स होंगे उनको 70% जितना भी इन्होंने बायर से लिया है उसका अमाउंट एस्क्रो अकाउंट में वो डिपॉजिट करवाएंगे जब तक प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, राइट? तो एस्क्रो अकाउंट जो है वो बेसिकली रियल एस्टेट में ही ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं टर्म को. तो ये एक बेसिकली स्पेशल फाइनेंशियल अकाउंट होता है, लाइसेंस्ड होता है ऑब्वियसली, क्योंकि किसी भी कमर्शियल बैंक के साथ आप ओपन कर सकते हो इसको, ठीक है, अपना अमाउंट जो है वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो. तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो फंड्स होते हैं टेम्परेरीली वहाँ पे डिपॉजिट किए जाते हैं जब तक आपका प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीट नहीं हो जाता है, राइट? देन फर्दर इसके बाद अगर आपको कोई भी डिस्प्यूट है आपका बायर का प्रमोटर्स के साथ या डेवलपर्स के साथ, तो उस केस में आप जो अपना डिस्प्यूट हो है वो रेफर कर सकते हो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स या एपीलेट ट्रिब्यूनल्स को, ठीक है? तो बेसिकली तीन तरह के प्रोसेस होता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, आर्बिट्रेशन का होता है, एडजुडिकेशन का, कंसीलिएशन होता है, ठीक है? तो इसमें एडजुडिकेशन के बारे में इन्होंने बोला है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स को आप रेफर कर सकते हो और एपीलेट ट्रिब्यूनल्स को आप रेफर कर सकते हो. फिर फर्दर इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि अराउंड आपको पता है कि 644 कंज्यूमर कोर्ट्स हैं हमारी कंट्री में, तो कहीं पे भी आप जो है वो अपील फाइल कर सकते हो अगर आपको कोई भी इशू है, ठीक है? देन उसके बाद यहाँ पे एक और इन्होंने प्रोविजन रखी थी कि कोई भी आप प्लान या डिजाइन है उसको चेंज नहीं कर सकता प्रमोटर्स अनलेस एंड अनटिल मतलब जो 2/3 बायर्स हैं उनकी कंसेंट ना हो इसमें, राइट? देन उसके बाद यहाँ है कि अगर प्रमोटर अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं करता है तो उसको 10% जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट पे करनी पड़ेगी एज पेनल्टी, और अगर फिर भी वो इस चीज़ को कंटिन्यू रखता है तो उसको 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है, राइट? देन उसके बाद ये है इसमें कि अगर बिल्डर वायलेट करता है, ठीक है, तो उस केस में उसको 5% जो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट की वो पे करनी पड़ेगी. देन उसके बाद कोई भी डिफॉल्ट है या डिले आता है प्रोजेक्ट में तो उस केस में बिल के अंडर जो है वो ये है कि मतलब इक्वल इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा प्रमोटर से भी और बायर से भी, ठीक है? तो अर्लियर क्या था, ये पॉलिसी जो थी वो फेवर करती थी बिल्डर्स को, लेकिन अब जो है दोनों के लिए सेम है, बायर्स के लिए भी और प्रमोटर्स के लिए भी. फर्दर इसमें एक और चीज थी कि बिल में ये भी मैंडेटरी है कि जो अलॉटीज एसोसिएशन है वो भी एक सेटअप होगी विद इन दी 3 मंथ्स अगर कोई यूनिट अलॉट होता है, तो उसमें बेसिकली जो रेजिडेंट्स होंगे वो कॉमन फैसिलिटीज जैसे उसमें अवेल कर सकते हैं, लाइक लाइब्रेरी हो गया, कॉमन हॉल, ठीक है? तो ये इसमें मेंशन किया हुआ था. तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ग्रीन टेक्नोलॉजीज इन अफोर्डेबल हाउसिंग, ठीक है? तो ये यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं था, इम्पोर्टेंट नहीं था, जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है? तो बेसिकली इन 2001 अगर हम बात करें तो इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट विच लेड टू डिवेलपमेंट ऑफ अ फर्स्ट जनरेशन एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड फॉर बिल्डिंग सेक्टर. तो ये एक कोड था, बिल्डिंग कोड था, ये बेसिकली इनको कवर फॉलो करना था बिल्डिंग सेक्टर को, ताकि आपकी जो बिल्डिंग्स हैं वो एनवायरमेंट को ज़्यादा हार्म ना पहुँचा सके, राइट? तो ये बेसिकली उस चीज़ के लिए था. तो रिसेंटली जो ये ECBC दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है इसको रिवाइज किया गया और इसको काफ़ी स्ट्रिक्ट इसमें प्रोविजंस जो है वो रखी गई हैं, ठीक है? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी 2017 के अकॉर्डिंगली जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो बेसिकली रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ द डे जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है इट हैज ऑल्सो एडेड पार्ट 11 अप्रोच टू सस्टेनेबिलिटी. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था गोल 11 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो बेसिकली क्या है कि हमें सस्टेनेबल एनवायरमेंट के लिए जो बिल्डिंग्स हैं वो डिजास्टर रेसिलियंट बनानी है, राइट? तो इसको जो है वो यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया है, यहाँ पे इसके ऊपर काफी एम्फेसाइज किया है. देन उसके बाद जो मिनिस्ट्री है ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की, ठीक है, तो वो काफी कैपिटल सब्सिडी इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड करती है अगर आप सोलर वाटर हीटिंग या सोलर लाइटिंग इक्विपमेंट्स जो है वो हाउसिंग में यूज करते हो, ठीक है? फिर फर्दर इसमें बताया गया था कि अगर आप घर जो है वो बनाते हो तो उसमें बेसिकली जो इंडोर एयर क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर आपका वेंटिलेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा गर्मी भी ना हो वहाँ पे और ज़्यादा मतलब कूलिंग इफेक्ट भी ना रहे,
ज्यादा की मतलब सर्दियों में भी ठंड लगे आपको, ठीक है, और ज्यादा पोल्यूशन जो है वो ना आ सके, पोल्यूटिंग एयर जो है वो ना आ सके, ठीक है. तो मतलब एक एनर्जी परफॉर्मिंग इंडेक्स जो है, मतलब कि कितना पर यूनिट एनर्जी यूनिट की अगर हम बात करें तो पर यूनिट एरिया जो है हाउस का, उसके अकॉर्डिंगली कितनी एनर्जी जो है वो घर पे स्पेंड होगी. तो इन सब चीज़ों के लिए जो है उन्होंने बताया था कि इन सब चीज़ों को हम हाउस कंस्ट्रक्ट करने में जो है वो कंसिडर करेंगे. एंड फर्दर जैसे कि हम पहले सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे ही फोकस रखते थे, ठीक है, तो इसमें हम अब कंस्ट्रक्शन पे तो फोकस रखेंगे ही, ठीक है, क्योंकि उसको हमें डिजास्टर रेजिलिएंट बनाना है. एंड फर्दर हम उसको मेंटेन करके रखेंगे, उसके ऑपरेशन के ऊपर भी हम प्रॉपरली इसको फोकस करेंगे, इसके डिस्पोजल पे ऊपर भी हम उसको प्रॉपरली जो है वो फोकस करेंगे, ठीक है. बस इतना ही इंपॉर्टेंट था इसमें. देन उसके बाद जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है वो कवर किया हुआ है, ठीक है. एंड द टॉपिक इज बिल्डिंग ड्यूरेबल एंड क्वालिटी हाउसेज इन रूरल एरिया. तो अगेन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 देयर वर 1.77 मिलियन होमलेस पीपल इन इंडिया, ठीक है. तो अगर देखें पूरी कंट्री की जो तब पॉपुलेशन थी 2011 में, उसके अकॉर्डिंगली 0.15% जो लोग थे उनके पास घर नहीं था. तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली जो 17,73,040 होमलेस पीपल हैं इंडिया में, जिसमें 52.9% जो है वो अर्बन एरियाज में आते हैं और 47.1% जो है वो रूरल एरियाज में आते हैं. और जहाँ पे जो यहाँ पे होमलेस लोगों को इन्होंने डिफाइन किया है सेंसस हाउस में जो नहीं रहते हैं, ठीक है. तो सेंसस हाउस बेसिकली आपको पता ही है, घर घर में जाके जो है वो जनगणना करते हैं. तो बेसिकली जहाँ पे जा ही नहीं सकते हैं तो ऑब्वियसली वो सेंसस हाउस कैसे हो सकता है, ठीक है. तो मतलब यहाँ पे जिनके सिर पे छत नहीं है, राइट. तो पब्लिक हाउसिंग प्रोग्राम इन कंट्री स्टार्टेड विद द रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो टिल ईयर 1960 नियरली 5 लाख फैमिलीज जो थी उनको घर प्रोवाइड किया गया था. उसके बाद 1996 की बात करें तो वहाँ इंदिरा गांधी आवास योजना जो था वो प्रोग्राम बनाया गया था, जिसके ऊपर जो हाउसिंग नीड्स है बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की वो फुलफिल करनी थी. देन उसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जो है इंदिरा आवास योजना को रीस्ट्रक्चर किया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में, जो कि इफेक्ट होती है विद इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2016, ठीक है. तो रिसेंटली जैसे कि हमने अर्लियर भी डिस्कस किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने अभी रिसेंटली 2017 में मिडिल इनकम ग्रुप्स को भी इंक्लूड किया है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि उनको जो इंटरेस्ट सब्सिडी जो उनकी सबवेंशन है वो मिलती है. अगर मतलब दो मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, मिडिल इनकम ग्रुप 1 और 2, 1 जो है उनकी इनकम 12 लाख है, 2 जो है 12 से 18 लाख है. जिनकी ज्यादा है उनको सब्सिडी कम मिलेगी यानी कि 4%, और जिनकी कम है इनकम उनको सब्सिडी ज्यादा मिलेगी यानी कि 3%, ठीक है. तो अभी रिसेंटली 2017 में जो है मिडिल इनकम ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, इसलिए मैंने दोबारा इसको रिपीट कर दिया. देन उसके बाद इसमें डिस्कस किया है कि अराउंड 4 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड जो है वो उनके पास घर नहीं है, ठीक है, अगर हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात करें, ठीक है. तो ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक बार एक दो मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे तो उसमें भी काफी बार ये क्वेश्चन जो था वो पूछा हुआ था, ठीक है, विजन आईएएस के क्वेश्चन पेपर थे. तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बारे में कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब हम हाउसिंग के लिए जो लोगों को काउंट कर रहे हैं तो वो किस सेंसस के बेस पे ऊपर है, ठीक है, अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना. तो इसमें बेसिकली जो है जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसमें 1 करोड़ हाउसेज जो है वो टारगेट किए गए हैं फर्स्ट फेज में, दैट इज फ्रॉम 2016-17 टू 2018-19, ठीक है. और जो टारगेट होगा नेक्स्ट फेज यानी कि टिल 2022 वो डिसाइड होगा जब परमानेंट वेट लिस्ट जो है वो इनकी तैयार हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. बेसिकली एक थोड़ा सा इसका लूप होल ये है कि मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्लम में लोग रहते हैं वो इस चीज का मिस यूज भी करते हैं. वो बेसिकली करते क्या है कि वो जो स्लम में लोग गवर्नमेंट उनको घर बना के देती है वो वहां पे रहते नहीं है, उन घरों को रेंट के ऊपर दे देते हैं, फिर वापस अपने स्लम में चले जाते हैं कि हमें और घर मिल जाएगा, ठीक है. तो इस चक्कर में थोड़ा सा जो है गवर्नमेंट अभी तो चेक रख रही है इस पे भी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इस चीज का मिसयूज होता है.
देन उससे उसके बाद नेशनल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी जो है फॉर रूरल हाउसिंग के लिए दैट विल बी सेटअप एट नेशनल लेवल जो कि टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी इन अचीविंग दी टारगेट. फर्दर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं इन द फॉर्म ऑफ बजटरी सपोर्ट भी, क्योंकि बजटरी जो बजट है उसमें भी पर्टिकुलर एक अमाउंट जो है वो मैंने यहाँ पे मैंशन नहीं किया बिकॉज आपको ज़्यादा याद नहीं रखना था, ठीक है. तो वो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है स्कीम के लिए सेट किया होता है, ठीक है. देन उसके बाद नबार्ड जो है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, तो उसके लिए उसकी तरफ से भी बोरोइंग्स जो हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट करेंगी, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में, देन प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में. देन उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स हैं जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जितनी भी असिस्टेंस होगी वो इस प्रोडक्ट इस प्रोजेक्ट को यानी कि हाउसिंग फॉर ऑल यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है इसको एक्सपीडिएट करेगी. देन उसके बाद है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना द बेनिफिशरी इज प्रोवाइडेड अ यूनिट असिस्टेंस ऑफ रुपीज 1.20 लाख इन प्लेन एरियाज, ठीक है. तो प्लेन एरियाज में 1.20 लाख है ग्रामीण के केसेस में, ठीक है. तो अर्बन के केसेस में हम अर्लियर पढ़ चुके हैं 1.50 था जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग में, ठीक है. तो और भी था 1 लाख था किसी में उसमें था जब वो हमने पढ़ा था इन सीटू वाला, ठीक है. तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का हम डिस्कस कर रहे हैं. तो इसमें जो प्लेन एरियाज हैं उनके लिए 1.20 लाख है और जो हिली एरियाज हैं यानी कि जो मेनली 3 स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल है उत्तराखंड है जम्मू कश्मीर है उनके लिए 1.30 लाख है. देन फर्दर डिफिकल्ट एरियाज ट्राइबल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है उनके लिए पक्का हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगेन 1.30 लाख है, ठीक है. देन उसके बाद जो है 3 मेन थिंग्स जहाँ पे इन्होंने डिफाइन किए कि ये चीजें जो 3 चीजें हैं ये पक्का हाउस में होनी ही चाहिए. सबसे पहले कि एक एडिक्वेट स्पेस जो है अपनी लाइवलीहुड एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जैसे किचन टॉयलेट वगैरह के लिए एक एडिक्वेट स्पेस जो है वो होनी चाहिए बेडरूम के लिए. देन उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए कुछ प्रोविजन कुछ जगह जो है वो होनी चाहिए. देन एक बरांडा यानी कि एक बालकोनी टाइप जगह जो है वो होनी चाहिए, ठीक है. उसके बाद जो टोटल कॉस्ट है प्रधानमंत्री आवास ग्राम योजना की दैट इज रुपीज 1,30,075 करोड़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 करोड़ हाउसेस बाय 2018-19. तो जो कॉस्ट है वो शेयर करेगी सेंटर स्टेट गवर्नमेंट इन द रेशियो ऑफ 60:40 और अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न और 3 हिमालयन स्टेट्स यानी कि जम्मू कश्मीर हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें तो उनके लिए है 90 जो है वो यूनियन गवर्नमेंट करेगी शेयर और 10 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट शेयर करेगी, ठीक है. और यूटीज के केस में यूनियन टेरिटरीज के केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है यूनियन गवर्नमेंट वो फुल कॉस्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जेंस की बात की है जैसे कि हमने पहले भी कन्वर्जेंस की बात करी थी जब अफोर्डेबल हाउसिंग अर्बन के केस में हमने पढ़ा था. तो यहाँ पे रूरल के केस में इन्होंने बताया कि अगर हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में जो है वहाँ पे हमने अर्बन से इसको रिलेट किया था यहाँ पे ग्रामीण के साथ हम इसको रिलेट करते हैं, ठीक है. देन उसके बाद जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है या और भी जितनी भी फाइनेंसिंग जितनी भी स्कीम्स हैं कोई भी जो है इसको फाइनेंस कर सकता है. एंड जो फर्दर जो टॉयलेट या और सैनिटेशन रिलेटेड जितनी भी प्रोविजंस प्रोवाइड होंगी वो इन स्कीम्स के अंडर जो है वो प्रोवाइड होंगी. मेनली यहाँ पे टॉयलेट जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा फोकस रखा गया है, ठीक है. तो सेकेंडली इसको कन्वर्ज अगर हम करते हैं नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के साथ दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन तो उसके कन्वर्जन से इसके अंडर जो है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा. देन उसके बाद अगर इसको जो है वो फिर कन्वर्ज करते हैं हम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है तो उसमें प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो हाउस होल्ड को प्रोवाइड किए जाएंगे. देन उसके बाद 2 सिस्टम्स हैं ई गवर्नेंस के जिसके थ्रू जो है प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी जो है उसके ऊपर प्रॉपरली चेक रखा जाएगा मतलब प्रॉपरली ई गवर्नेंस जो है जिसको ओवरलुक किया जाएगा दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है यहाँ पे आवास सॉफ्ट और दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मोबाइल ऐप, ठीक है. तो ये बेसिकली ई गवर्नेंस का पार्ट है. तो थैंक यू वेरी मच एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड प्लीज फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फतेह एडुकॉम. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.